आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है नॉलेज मेनिया, योर एजुकेशन योर वे। मेरा नाम है सुब्रत दास। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश वोकैबुलरी पार्ट 3। अगर आप सभी को हमारा ये पार्ट पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक अवर वीडियोस एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड यू कैन ऑल्सो शेयर दीज वीडियोज इन योर सोशल नेटवर्क। चलिए गाइस, हमारा आज का पहला वर्ड है एब्सेशन। एब्सेशन का मतलब होता है अलगाव या विगलन करना। जिस आप पिक्चर से भी देख पा रहे हैं कि ये जो पत्ती है अपने स्टेम से अलग हो चुकी है, तो इससे भी आपको समझ में आ रहा है कि पत्ती का अपने स्टेम से विगलन होना एब्सेशन कहलाता है। ओके गाइस, यहाँ से आप शब्द से भी पता चल रहा है कि एब्सेशन का मतलब क्या होता है, अलगाव करना या विगलन करना। तो यहाँ पे गाइस, यहाँ पे द टी छूटा हुआ है, तो द एक्ट ऑफ कटिंग समथिंग ऑफ मतलब होता है किसी तरीके से अगर आपकी कोई चीज कटा हुआ है तो उसको कहते हैं एब्सेशन। ओके गाइस, तो यहाँ एब्सेशन का मतलब होता है किसी चीज को अलग कर देना या किसी चीज को तोड़ देना। एब्सेशन का मतलब होता है विगलन करना। ओके गाइस, तो नेक्स्ट वर्ड इज एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है पलायन करना या फरार होना। मतलब आप किसी तरह के चीजों को लेके अगर भाग जाते हैं, किसी कोई भी कीमती चीज, चाहे वो पैसे हो, जेवर हो या किसी भी तरह का एसेट्स हो, तो उसको लेके आप फरार हो जाते हैं, पलायन कर जाते हैं, तो उसको कहते हैं एब्सकॉन्ड करना, रन अवे कर जाना। तो डू यू थिंक He has a plan to abscond with the stolen money. क्या आपको ऐसा लगता है क्या उसके पास कोई इसी तरह का प्लान होगा, किसी तरह का मंत्रणा होगा कि वो मनी को, जो स्टोलन मनी है उसको लेके वो भाग जाएगा। पिक्चर से भी आप देख रहे हैं कि ये जो बंदा है वो मनी को लेके भाग रहा है। ओके गाइस, द नेक्स्ट वर्ड इज एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब होता है मुकम्मल या मिलावट करना। जैसे गाइस आप आजकल देखते हैं कि हर एक चीज, चाहे वो फूड एंड बेवरेज ना क्यों ना हो, ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चलते उसमें किसी तरह का मिलावट कर दिया जाता है, तो उसी को कहते हैं आप एब्सोल्यूट फॉर्म। ओके गाइस, द परफेक्ट और कंप्लीट और फेयर फॉर्म। ओके, शी राइड्स विद फेयर स्पीड टू एंड एब्सोल्यूट श्योरनेस। मतलब कि उसने अपनी फेयर स्पीड में, मतलब जो जिस स्पीड में वो लिखती है उसको कहते हैं फेयर स्पीड, ठीक है, वो अपने फेयर स्पीड में लिख ली है। और एब्सोल्यूट श्योरनेस मतलब कि किसी भी तरह का एब्सोल्यूट श्योरनेस के साथ। ओके गाइस, अगर आप एब्सोल्यूट प्रेशर से, अगर आप अपनी पूरी ताकत से किसी भी चीज को मारते हैं या प्रेशर लगाते हैं तो वो टूट जाता है। ओके गाइस, तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है एब्सॉल्व। एब्सॉल्व मतलब होता है पापमुक्त करना या दोषमुक्त करना। जैसे कि आप पिक्चर से भी देख रहे हैं, ये जो बंदा है वो प्रिजन में है और वो अपने सभी पापों के लिए माफी मांग रहा है। ओके गाइस, ये कह रहा है प्लीज गॉड पार्डन मी, मतलब वो अपने पाप से जेल में रहने के कारण वो उससे दोषमुक्त हो गया है। ओके गाइस, द ही विल एब्सॉल्व ऑफ एनी क्राइम ही हैज कमिटेड। मतलब वो उसने जो भी क्राइम किया है उन सभी क्राइम से वो एब्सॉल्व हो गया है, दोषमुक्त हो गया है जेल के बाद। ग्रांट रेमिशन ऑफ सिन टू। ओके गाइस, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एब्सटेन करना। एब्सटेन का मतलब आप पहले से जानते हैं, है मतलब किसी तरह से परहेज करना या अलग रहना। मतलब वी शुड रेफ्रेन फ्रॉम द स्मोकिंग। यहाँ पे आप वर्ड से भी देख रहे हैं, सेंटेंस से भी देख रहे हैं, प्लीज रेफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग इन द बेडरूम। मतलब आप परहेज कीजिए स्मोकिंग से इन बेडरूम। और आपको तो गाइस पता ही है स्मोकिंग इज बैड हैबिट एंड वी शुड अब्सटेन फ्रॉम इट इन एनी ओकेजन और एनी वे। ओके गाइस, तो इसको आप साइनोनिम वर्ड इसका है रेफ्रेन करना। ओके गाइस, द नेक्स्ट वर्ड इज अब्सटेन। एब्सट्रैक्ट, ABSTRACT, एब्सट्रैक्ट। एब्सट्रैक्ट मतलब होता है सारांश या कल्पना। पिक्चर से भी आप देख सकते हैं, इस तरह के पिक्चर को आप कल्पना में ही सोच सकते हैं, लेकिन आजकल किस बहुत सारे टेक्नोलॉजी के द्वारा इस तरह के एब्स्ट्रैक्ट पिक्चर्स को बनाए जाते हैं सॉफ्टवेयर के द्वारा। ओके गाइस,
तो एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है कल्पना में, जो एग्जिस्टिंग ओनली इन माइंड, मतलब आपके मन में, आपके माइंड में जो रहता है उस तरह के चीजों को आप कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। ओके गाइस, तो मतलब दे वेर प्रेजेंटिंग एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम द जर्नल, मतलब जो कि एब्स्ट्रैक्ट था, जो जर्नल में एब्स्ट्रैक्ट था, उसी चीज को उन लोगों ने प्रेजेंट किया है। द नेक्स्ट वर्ड इज एब्स्ट्रूस, तो एब्स्ट्रूस का मतलब होता है कठिन या जटिल, मतलब किसी भी तरह का कठिन काम या जटिल काम को कहते हैं आप एब्स्ट्रूस फॉर्म। ओके गाइस, टू डिफिकल्ट और पेनिट्रेट, मतलब किसी भी चीज में आप यदि आप उसको अनइजी महसूस करते हैं तो उसको कहते हैं, या कठिन आप महसूस करते हैं या इम्पॉसिबल महसूस करते हैं तो उस तरह की चीज को कहते हैं एब्ट्रूस। एब्ट्रूस का मतलब होता है कठिन या जटिल। जैसे कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं कि ये जो बच्चा है अपने पेपर को सॉल्व करने में काफी मेहनत कर रहा है, तो दिस गाय इज फीलिंग एब्स्ट्रूस, फीलिंग एब्स्ट्रूस इन सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर। ओके गाइस, द नेक्स्ट वर्ड इज अपैजिबल। अपैसिबल का मतलब होता है बहुत ही खराब। अगर आप ऐसे सिचुएशन में हैं जो कि पूरी तरह से आपके अगेंस्ट में है, तो उस तरह के सिचुएशन को क्या कहते हैं गाइस, एब्स्ट्रूस। ओके गाइस, तो एब्स्ट्रूस का मतलब होता है किसी भी बहुत ही खराब सिचुएशन, बहुत ही खराब सिचुएशन को कहते हैं हम एब्स्ट्रूस। ओके गाइस, तो रिजेंबलिंग एंड अबाज इन द डेप्थ, मतलब कि आजकल आपको पता है कि आप कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं, जैसे कि आईसीआई बैंक से अभी हुआ है या पीएनबी से धोखाधड़ी हुआ है, तो बहुत तरह ज्यादा अगर लोन या डेबिट आपने लिया हुआ है तो यू आर इन अ अबाजिबल फॉर्म, और या यू आर इन अ अबाजिबल सिचुएशन, बहुत ही खराब सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं। रिजेम्बलिंग एंड एन अबाज इन द टेस्ट, दिस इज सिंस फ्रॉयड डिड नॉट स्टडी फॉर द टेस्ट ही अर्न एन अबाजिबल स्कोर ऑन एग्जाम, मतलब कि जैसे कि आपको पता है ट्रॉय ने अपने एग्जाम टेस्ट के लिए पढ़ा नहीं था कि अर्न अबैजमल स्कोर, बहुत ही खराब स्कोर आया है उसको एग्जामिनेशन में। ठीक है, द नेक्स्ट वर्ड इज एक्सीड, ACCED। एक्सीड मतलब होता है मान लेना या स्वीकार करना। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ ब्रिक्स का समिट हो रहा है, ब्रिक्स का फुल फॉर्म भी आप जानते हैं, ब्राजील, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना, इंडिया एंड चाइना। तो ब्रिक्स में ज्यादातर जो डेवलपिंग नेशन है वही सारे हैं, तो इन सभी ने जो भी अकॉर्ड किया है, जो भी एग्रीमेंट किया है, उनकी सभी शर्तों को उन्होंने क्या किया, एक्सीड कर लिया है, मतलब मान लिया है। तो अग्री और एक्सप्रेस अग्रीमेंट, मतलब किसी भी तरह का अग्रीमेंट के शर्तों को उसको एक्सीड कर लेना या मान लेना। द कंपनी प्रेसिडेंट मेड अ वाइज डिसीजन टू एक्सीड टू द कंज्यूमर, द कंपनी के प्रेसिडेंट ने सभी शर्तों को उन्होंने मान लिया है, क्योंकि कंज्यूमर काफी प्रेशर डाल रहे थे टू लोअर द प्राइसेस ऑफ द गुड्स। गाइस, द हमारा नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है एकोलॉड, ACCOLAD। एकोलॉड, एकोलॉड का मतलब होता है किसी प्रकार का पुरस्कार या शाबाशी, या आपको किसी तरह से शाबाशी मिल रहा है या किसी प्रकार का आपको अप्रेजल मिल रहा है, तो उसको कहते हैं एकोलेट करना, मतलब अ टेंजिबल सिंबल सिग्निफाइंग अप्रूवल और डिस्टिंक्शन। आपके काम के लिए आपको किसी तरह का सम्मान मिल रहा है या पुरस्कार मिल रहा है, उसको ही हम क्या कहते हैं एकोलेट। एकोलेट जैसे कि आप किसी तरह का, जैसे कि स्टारडस्ट या फिल्म फेयर या दादा साहेब फाल्के अवार्ड, तो दीज आर एकोलेट, मतलब ये क्या है, आपके लिए पुरस्कार है, आपके लिए सम्मान की चीजें हैं। ओके गाइस, तो ड्यूरिंग द मंथली मीटिंग द कंपनी प्रेसिडेंट विल रिप्रेजेंट एंड एकोलेट टू द एम्प्लॉयज ऑफ द मंथ, मतलब कि ड्यूरिंग द मंथली मीटिंग, मतलब जो है मंथली मीटिंग होता है हर एक कंपनीज में, उसमें क्या कंपनी के जो प्रेसिडेंट है, जो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ है, उसको पुरस्कृत करते हैं, उसको एकोलेट देते हैं किसी भी तरह का। मे बी आजकल तो मे बी आप सिग्निफाइंग मनी भी होता है, इट मे बी सील्ड और इट मे बी मनी एनीथिंग, तो एकोलेट बहुत तरह से आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। अगर आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज गाइज डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड
like our video, and you can also share these videos on your social network. Okay guys, thank you.